नमस्ते किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेहनती किसान में। आज हम आपको गेहूं की फसल के बारे में बताएंगे कि जनवरी के महीने में मौसम ख़राब है, बारिश के कारण गेहूं की फसल पीली पड़ चुकी है। अधिकतर किसान भाइयों की फसल पीली पड़ चुकी है। आज हम आपको बताएंगे यह किस कारण हुआ है और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों सल्फ़र का उपयोग कर सकते हैं। सल्फ़र किसान भाइयों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो गेहूं का पीलापन है वह ख़त्म हो जाएगा। अगर किसान भाइयों आपने पहले यूरिया का उपयोग किया है तो जब आप सल्फर का उपयोग करेंगे तो उसमें यूरिया की कम मात्रा का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों 20 किलोग्राम यूरिया में 3 किलोग्राम सल्फर मिला करके एक एकड़ में इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से किसान भाइयों जो हमारे गेहूं की फसल का पीलापन है वह ख़त्म हो जाएगा, वह जड़ों की ग्रोथ भी अच्छी प्रकार से होगी। एक बात का ध्यान रहे किसान भाइयों, यूरिया की मात्रा ज़्यादा ना लें। यूरिया ज़्यादा लगाने से किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल ज़्यादा बढ़ जाएगी और बाद में उसके गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो किसान भाइयों यूरिया की थोड़ी मात्रा लें और सल्फर मिलाकर उपयोग करें। सल्फर की तासीर किसान भाइयों गर्म होती है, जिस कारण यह हमारे जो नमी है उसको सोख लेता है और जो हमारी जो भी बारिश हुई थी जनवरी के महीने में, जिस कारण गेहूं की फसल पीली पड़ चुकी है, तो सल्फर के उपयोग से वह पीलापन ख़त्म हो जाएगा। राम राम, धन्यवाद किसान भाइयों। हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों हमारे चैनल को प्लीज़ किसान भाइयों कृपया करके सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली अन्य जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमें कमेंट में यह भी बताएं कि हमारी जानकारी अच्छी लगी है या ख़राब लगी है, यह ज़रूर बताएं किसान भाइयों। राम राम किसान भाइयों।